एक बात बहुत अच्छे से अपने भीतर उतारिए। आपको लगता है मेरा पति बहुत मेहनत करता है और उसका कोई फल नहीं मिल रहा, बहुत परिस्थिति नीचे जाती जा रही है, खूब डाउन होते जा रहे हैं, हमारे पास में कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि मेरे पास इतना भी नहीं कि मैं सीहोर कुबेरेश्वर धाम भी चले जाऊं और रुद्राक्षोत्सव की कथा सुनकर। आपको लगता है ऐसा कि आपके पास में नहीं है इतना और मैं सीहोर तक भी नहीं जा पाऊं, मेरे पास धन नहीं। जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, जितने यहाँ पंडाल में सुन रहे हो, आपको लग रहा है मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरे पास में इतना नहीं है, मेरा बहुत व्यापार कर रहे हैं पर आई नहीं रहा, धन कहीं से नहीं आ रहा, बहुत टेंशन में जीवन चल रहा। तब सात बेलपत्र लेना है। कितनी बेलपत्र लेना है? सात। सात बेलपत्र में से सबसे पहली बेलपत्र, घर से जब चलो तो घर के पास में जो घर के अंदर रसोई घर में मटका होता है, क्या बोलते हैं यहाँ पर, हंडा, मटका, गगरा, घड़ा, जिसमें तुम पानी भरते हो, टंकी, बाल्टी, जो भी होता है रसोई घर में जो पानी भरते हो पीने के, हंडे में, बॉटल, उसमें टंकी में, जिसमें भी तुम भर के रखते हो, एक बेलपत्र उस हंडे के पास में, मटके के पास में वहां रखना। घर से उसी मटके में से पानी लेना है, उसी हंडे में से एक लोटा जल लेना है, उसको लेकर जाना है। एक बेलपत्र वहां रख दी, बची कितनी? छह। बेलपत्र में से चलते चलते एक बेलपत्र पानी लेकर जब जाओ, तब एक बेलपत्र बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बेलपत्र चढ़ा के उस पर जल चढ़ा देना। छठी बेलपत्र, जल को पूरा मत चढ़ाना, जल लेकर चढ़ाना। पांचवे नंबर की बेलपत्र नंदीश्वर के पास में, जिस नंदी का पांव ऊपर की ओर हो, एक पांव नीचे दबा रहता है, पांव ऊपर, ऊपर वाले पांव के पास में एक बेलपत्र रख देना, पांचवे नंबर की बेलपत्र वहां रख देना। चौथे नंबर की बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह, हमने कई बार आपको अशोक सुंदरी का स्थान बताया, ये जलाधारी, यहाँ जो बीच में से जल बहता है, बीच में एक मोटी लाइन होती है, अशोक सुंदरी, चौथे नंबर की बेलपत्र यहाँ रख दीजिए, थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए। तीसरे नंबर की बेलपत्र यहाँ बैठकर जल चढ़ा रहे हो तो यहाँ रखो, यहाँ बैठकर जल चढ़ा रहे हो तो यहाँ रखो, यहाँ बैठकर चढ़ा रहे हो तो यहाँ रखो, मतलब पार्वती जी का जो हस्त कमल है उस पे रखना है और उस पे जल चढ़ाना है, तीसरे नंबर। दूसरे नंबर की बेलपत्र शंकर भगवान का जो शिवलिंग है उसके ऊपर बेलपत्र को रखना है, बेलपत्र की जो डंडी है, आप बैठे हो, आप बैठे हो वहां पत्ती का मुंह होना चाहिए, डंडी का मुंह तुम्हारे ठीक विपरीत, बेलपत्र यहाँ रखें, दूसरे नंबर जल चढ़ाएं। एक बेलपत्र जो सातवें नंबर की है, उस बेलपत्र को जो जलाधारी है जल चढ़ाने वाली, उस जलाधारी का स्पर्श कराएं और उस बेलपत्र को, उस बेलपत्र को वापस लेकर उसमें से थोड़ा सा जल उस जलाधारी में डाल दें, उस बेलपत्र को जो सातवें नंबर की बेलपत्र है उसका स्पर्श केवल जलाधारी को करकर, बाबा से विनती करकर उस बेलपत्र को किसी भी दिन आप अपने घर में लाकर रख लो, और कुबेरेश्वर धाम आप आना चाहते हो, बाबा से विनती कर कर आना, बाबा ऐसा धन देना कि मैं वहां जाकर लोगों को पानी पिला सकूं, बिस्कुट खिला सकूं, ऐसी कृपा करना। 7 मार्च को कथा प्रारंभ होगी कुबेरेश्वर धाम की, 5 मार्च के पहले पहले मेरा बाबा तुम्हारी झोली जरूर भरेगा और तुम्हें कुबेरेश्वर धाम जरूर बुलाएगा। ज्यादा दूर का नहीं सोचना, नजदीक। 7 बेलपत्र का उपाय, सप्तपत्र, 7 बेलपत्र का उपाय शिव जी का एक आनंद फल प्रदान करना। पहली परिंडे के पास, दूसरी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, तीसरी नंदी के यहाँ, चौथी अशोक सुंदरी के यहाँ, पांचवी पार्वती जी के यहाँ, छठी भगवान शंकर के ऊपर, सातवीं जलाधारी का स्पर्श कराकर वापस। जल कितनी जगह चढ़ेगा? जल कितनी जगह चढ़ेगा? केवल
पांच जगह पर, एक बेलपत्री के पेड़ के नीचे, दूसरा सुख सुंदरी की जगह, तीसरा पार्वती जी की जगह, चौथा शिवलिंग के ऊपर और पांचवा जो जलाधारी है ऊपर, उस पांच जगह पर एक ही लोटे में से थोड़ा थोड़ा जल पांच और बाबा से विनती करना है आपको, बाबा मेरा ये दुख है आप मिटा दें, बाबा मेरा ये कष्ट है समाप्त करना, बाबा मुझे सीहोर पहुंचना है, कुबेरेश्वर धाम जाना है, रुद्राक्षोत्सव में लोगों को भंडारा खिलाना है, बाबा इतनी झोली भरना मेरे दाता मैं स्वस्थ होकर कुबेरेश्वर धाम की धरा पर पहुंच सकूं, ऐसी कृपा उससे विनती करो, विनय करो, निवेदन करो, उससे प्रार्थना करो, झोली पसार का प्रणाम करोगे वो देखता देख, खाली नहीं छोड़ शिव कथा। बहुत तकलीफ है और नहीं हो रहा काम, बहुत दिनों से लगे हो नहीं हो रहा, हरा मूंग ले जाओ, मूंग के दाने तो रहते हैं घर में, केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए। जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो, कौन से दिन सोमवार की अष्टमी हो, उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाओ, तीन चीज लेकर जाओ, मूंग के दाने, चावल, बेलपत्र। चावल जो 31 लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर, कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया जाए। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है उस पांव के पास रख दीजिए, और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, आपको पहले बताया है कथा में, अशोक सुंदरी जी का स्थान, ये शिवलिंग, ये जलाधारी जहां से पानी बहता है, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। शिव जी के 13 बच्चे हैं, 13 बच्चे में सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी यहीं पर विराजमान होती है जहां से पानी नीचे गिरता है। प्रत्येक शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होगी, उस मोटी सी जो लाइन है अशोक सुंदरी, वहां पर जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर पीला चंदन लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जाओ, उसकी डंडी जहाँ से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। आप निवेदन कर कर देखो, एक सोमवार की अष्टमी पर कर कर देखना, दूसरी सोमवार की अष्टमी आएगी अपने आप आपका काम हो गया होगा। बाबा से निवेदन तो करो, क्यों भटक रहे। भोला सब दुख काटो, ॐ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।